भाई मैंने चाय तो बहुत सारी जगह पी है, लेकिन राजू टी स्टॉल से ज्यादा तारीफ मैंने किसी की भी नहीं सुनी है भाई। यहाँ पे चाय बनाने का तरीका तो इनका गजब का है ही, साथ में इनका चाय सर्व करने का तरीका उससे भी ज्यादा गजब का है भाई। यहाँ पे बड़े बड़े मंत्री पॉलिटिशियन चाय पीने आते हैं, बहुत ही गजब भीड़ लगती है। ऐसा क्या इनके यहाँ पे, पूरा वीडियो देखिए आपको पता चलेगा। ये देखो भाई चाय बननी शुरू हो गई है, तो सबसे पहले कड़ा हुआ दूध इस पे डाला गया है और इसे चढ़ा दिया गया है, और ये चाय की पत्ती जो पहले की लगी हुई थी उसे हटाई जा रही है। आप ये चेक करिए भाई, और ये पूरा ये तांबे का रहता है, किसका तपेला है? पीतल का तपेला है, पूरा पीतल के तपेले में यहाँ पे चाय बनाई जा रही है। ये चेक करिए भाई आप, तो भाई अब ये देखिए इसमें चाय पत्ती डालना शुरू कर दिया गया है, और एक बार में इतनी सारी चाय पत्ती डाली गई। आप ये देखिए पूरे पतीले के ऊपर चाय पत्ती पूरे बढ़िया तरीके से फैल गई है इसके अंदर। ये चेक करिए भाई आप, पूरी चाय बढ़िया तरीके से चलाई जा रही है। ये देखिए भाई आप, ये भी अगर स्टाइल चेक करिए एक बार आप, तो भाई चाय पत्ती पड़ गई है, अब शक्कर की बारी है, भैया शक्कर डाली जा रही है। ये चेक करो बढ़िया तरीके से शक्कर डाला जा रहा है। तो भाई ये भोपाल की सबसे फेमस राजू की स्टॉल पे खड़े, और ये देखिए भाई इस तरीके से खर्चे से उछाल उछाल कर चाय बनाई जा रही है, बहुत ही फेमस है। यहाँ पे बाहर से लोग यहाँ पे चाय पीने के लिए आते हैं, और आप किसी से पूछेंगे बड़े बड़े नेता यहाँ पे आकर चाय पी कर रहे हैं, राहुल गांधी से लेकर मध्य प्रदेश के सारे बड़े नेता, मध्य प्रदेश के इनफैक्ट सीएम तक जब भी इधर आते हैं राजू टी स्टॉल पे चाय पीने जरूर आते हैं। आप ये देखिए कितने कड़क तरीके से चाय बनाई जा रही है, मतलब चाय की भाई चाय में उबाला अच्छे तरीके से आ गई है, उबलने के बाद चाय को बढ़िया तरीके से फेंट लिया गया है। अब चाय को उतारने का नंबर आ रहा है, चाय बड़ी हाई फ्लेम में बनती है, एक बार फ्लेम भी आप चेक कर लीजिए। ऐसा आप देखिए भाई चाय उतारी जा रही है, और ये छानने का प्रोसेस शुरू हो गया चाय का। और घर में इतनी ज्यादा क्वांटिटी में चाय बनाई जा केटली पे से कप में डाली जा रही है, और भैया का स्टाइल चेक करिए एक बार में 15 कप लगभग चाय भरते हैं, और इस स्टाइल से चाय भरी जाती है, एक बूंद भी चाय बाहर गिरती नहीं है। ये भैया का स्टाइल है, इसी के लिए भैया बहुत ज्यादा फेमस है पूरे एमपी के अंदर। इस तरीके से चाय कहीं पे भी नहीं बनती, आप कहीं से भी पूछेंगे भोपाल में चाय पीने कहाँ जाना चाहिए, लोग सबसे पहले रिकमेंड करेंगे भाई एक बार कहीं भी जाओ या ना जाओ राजू की चाय जरूर ट्राई करना, उसका रीजन है ये। देखिए एक बार में देखा भाई, यहाँ पे 3 से 5 सेकंड लगता है हार्डली भैया को, अगर यहाँ पे दो लोग खड़े रहते हैं अभी तो अकेले खड़े भैया, और इतने में तो चाय पूरी यहाँ से निकल जाती है। आप भी देख लें, आप 10 सेकंड में भैया ने ऑलमोस्ट पूरी चाय सबको बांट दी है, तो आप ये देख करिए कितनी स्पीड में यहाँ पे चाय निकलती है। और अगर 2 मिनट तक चाय रखी जाती है तो उसे निकालकर साइड कर दिया जाता है भाई, 2 मिनट के बाद चाय नहीं देते हैं, तुरंत की बनी हुई चाय ही देते हैं। पे पहले से बनी अगर कुछ बच गई थी उसे निकाल कर साइड में करते हैं। हमारे यहाँ पे भाई मिले हैं जो हमें बताएंगे कितने टाइम से आ रहे हो भाई आप यहाँ पे चाय पीने के लिए। देखिए मैं बेसिकली यहीं का हूँ, अच्छा मुझे यहाँ पे हो गए 15 से 16 साल। आप डेली यहीं चाय पीने आते हो? डेली यहीं चाय पीने आते हैं, और राजू भाई का क्या है, इनकी बहुत फेमस चाय है भोपाल में सबसे फेमस। अच्छा, कोई पॉलिटिशियन राहुल गांधी आए या कोई बीजेपी का बड़ा नेता है वो यहाँ रुकता जरूर है, अगर वो शौकीन हो। अच्छा, चाय कैसी रहती है, चाय के बारे में थोड़ा बताइए। तो ऐसी है कि इट्स लाइक अ ड्रग, अच्छा एडिक्शन, अगर आप इसको यूज टू इट हो जाओ तो आप इसके अलावा और कहीं चाय नहीं पी सकते हो ऐसा। तो यार एक चीज बताओ आप मुझे, इतनी फेमस क्यों यार, मैं इंदौर से यहाँ पे आया हूँ चाय पीने के लिए, लोगों ने मेरे को बोला कि अगर भाई भोपाल जा रहे हो राजू पे जरूर जाना, ऐसा क्या है भाई इसके बारे में बता देते कि ऐसी क्या बात है कि बहुत दूर तक फेमस है ये चाय। भोपाल क्या है, बहुत बड़ी सिटी है, यहाँ पे आपको बहुत लोग मिल जाएंगे फेमस चाय भाई, बट जो टेस्ट जो कॉन्सेप्ट इनका है चाय का, जितनी कड़क चाय ये बनाते हैं उतनी पूरे भोपाल में मिलेगी। टाइम लगता है, टाइम थोड़ा सा लगता है चाय बनाने में, वर्क वही है। बहुत बढ़िया भाई, थैंक यू सो मच, आपने अपना समय दिया इतना। ये हमारा टोकन आ गया, हम लोग चाय लेने जा रहे हैं, भैया लगा दीजिए हमारे लिए 2 कप चाय। वैसे तो यहाँ पे 15 रुपए की कट चाय बोलते हैं इसको, हाफ चाय। तो ये भाई ये आ गई है चाय, और आइए जरा इसको टेस्ट करके बताते हैं कि कैसी ये चाय, कितनी कड़क है। तो भाई ये आ गई है राजू की बड़ी फेमस कड़क चाय। अब ना किसी भी क्वालिटी किसी ब्रांड पे जाओगे ना आपको वहीं पता चल जाएगा कि अगर इनके प्लास्टिक के कप भी है ना तो इनके खुद के हैं, राजू टी स्टॉल। तो आप समझ सकते हो वहाँ पे कि इन्होंने अपनी चाय को ही एक ब्रांड बना लिया है। और चाय देखते हैं, यहाँ पे लोगों से बहुत तारीफें सुनी मैंने, जितने भी लोगों से बात करी सब ने इनकी चाय की इतनी तारीफ करी कि आप पूछे मत। और इनका ये तक कहना है कि जो इनकी चाय पत्ती वो यहाँ से नहीं डायरेक्ट आसाम से ही मंगाते हैं ये लोग, इनका वहाँ से जो एक्सपोर्टर है वहाँ से इनकी डायरेक्ट इनकी चाय की पत्ती आती है, इसलिए इनकी चाय थोड़ी और कड़क रहती है, कड़क वाली चाय की पत्ती। आइए टेस्ट करते हैं, मुझे थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगी है, 15 रुपए में कट चाय मिलती है, बट अगर ये चाय में उतना दम है तो ये वर्थ इट है, क्योंकि कोलकाता में हमने 80-80 की भी चाय पी है, तो 15 तो कुछ भी नहीं उसके लिए।
चाय तो है, चाय काबिल तारीफ है, चाय में टेस्ट है, हल्का सा फीकापन है लेकिन चाय कड़क बहुत है। अगर आप चाय के शौकीन हैं और भोपाल से देख रहे हैं, ट्राई कर रही एक बार, अगर आपने ट्राई नहीं करी कोशिश करिए कि राजू टी स्टॉल के ऊपर आप चाय ट्राई करिए, मजा आएगा आपको बहुत ज्यादा।